झारखंड में चंपई सरकार 72 घंटे और चुनौती बेशुमार। मैं चंपई सोरेन ईश्वर की शपथ लेता हूं कि हैदराबाद में विधायक टूटने का डर, जेएमएम में धक धक। दिल्ली में संग्राम, भ्रष्टाचार और चंडीगढ़ के नाम। हेमंत, ईडी और रिमांड, अगला नंबर केजरीवाल। और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। झारखंड में महागठबंधन को टूट का डर है। रांची से हैदराबाद पहुंच गए हैं 39 विधायक। फ्लोर टेस्ट के दिन विधायक रांची आएंगे। चंपई सोरेन समेत 3 विधायक रांची में ही रुके हैं। बड़ी अपडेट और बड़ी खबर एक बार फिर मैं आपके लिए दोहरा देता हूं कि झारखंड में जो महागठबंधन है उसको टूट का डर सता रहा है। रांची से हैदराबाद 39 विधायक पहुंच चुके हैं। फ्लोर टेस्ट के दिन विधायक रांची आएंगे। चंपई सोरेन समेत 3 विधायक रांची में ही रुके हुए हैं। और इस खबर को विस्तार देने के लिए निधि श्री हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ गई हैं। सीधा आपको निधि श्री के पास ही लिए चलते हैं। निधि, अब तो शपथ ग्रहण भी हो गया, अब किस बात का डर सता रहा है? बिल्कुल, देखिए रिजॉर्ट पॉलिटिक्स यहीं से शुरू होता है विवेक। सीधी तस्वीरें सबसे पहले मैं आपको दिखाऊं हैदराबाद बेगमपेट एयरपोर्ट की, जहां पर 2 बसें आपको नजर आएंगी, दोनों एसी कंडीशन्ड, एयर कंडीशन्ड बसें, जिसमें इस वक्त विधायक आपको एक एक करके बैठते हुए नजर आएंगे। और अब ये दोनों बसें निकल रही है यहाँ से 3 डेस्टिनेशन, जिसमें कंफ्यूजन था कि आखिर कहाँ इनको रखा जाए, कौन सा रिजॉर्ट बेहतर रहेगा। और अभी जाकर जब क्लियर हुआ है तो इनको 15 मिनट एयरपोर्ट के अंदर बिठाया गया, और उसके बाद सूचना मिलते ही अब धीरे धीरे करके दोनों बसें आपको नजर आएंगी जो यहां से निकल रही है। और इन बसों के साथ ये तमाम गाड़ियां जो इनको स्कॉर्ट करते हुए हैदराबाद पुलिस आपको नजर आएंगे। हालांकि मीडिया कर्मी को अंदर जाने की इजाजत नहीं है, और हम बात कर रहे थे कि अब किस बात का डर है। सबसे पहले तो कितने विधायक यहाँ पहुंचे हैं, ये कंफ्यूजन की स्थिति जो है ये क्लियर हो जाए, क्योंकि इनको हो सकता है दोबारा वीडियो बनाकर ये क्लियर करना पड़े। पहले हमने देखा था कि चंपई सोरेन ने किस तरीके से वीडियो बनाया था, और ये कहा था कि हमारे पास कितने विधायकों की संख्या है। और इस वक्त की सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं उन दोनों बसों की बेगमपेट एयरपोर्ट से। ये बहुत बड़ा अब यहाँ से शुरू सवाल है कि ये बहुत बड़ा सवाल है। और तस्वीरें आप दिखाते रहिए, इनको फॉलो करती रहिएगा। आशीष भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आशीष के पास लिए चलते हैं, हैदराबाद से लाइव है हमारे साथ। आशीष, कहाँ, कौन से रिजॉर्ट में रुकने वाले हैं ये लोग, इस बारे में कोई जानकारी है क्या, कहाँ रखे जाएंगे? जी हाँ, यहाँ पर एक्चुअली पूरे जो यहाँ पर विधायकों को रखने का की जिम्मेदारी थी, पूरा जो मिशन था एक तरीके से यहाँ रिसोर्ट पॉलिटिक्स का, वो सीएम यहाँ पर रेवंत रेड्डी खुद हैंडल कर रहे थे। 4 रिसोर्ट को पहले बुक किया गया, 4 अलग अलग रिसोर्ट को। अब यहाँ से इनको ले जाकर लियोनिया एक रिसोर्ट है, शामीरपेट का इलाका है, साइबराबाद कहलाता है वो कमिश्नर जोन। और ये देख सकते हैं आप हमारे सामने सारे विधायक हैं जेएमएम के, आरजेडी के और कांग्रेस के 38 विधायक हैं। हमारी बात हुई है बना गुप्ता से, और मैं दिखाना चाहूँगा अपने कैमरा पर्सन को बोलूँगा कि देखिए वो हैं बना गुप्ता, मंत्री रहे हैं, हेल्थ मंत्री रहे हैं। बना जी हेल्थ मंत्री रहे हैं, और ये साथ में हैं हमारी, और इन्होंने पूरा भरोसा जताया है। देखिए साथ में सारे यहाँ पर विधायक, और ये सारे लोग अब यहाँ से निकल कर हैदराबाद के शामीरपेट इलाके में लियोनिया एक रिसोर्ट है, वहाँ पर इनको ले जाकर रखा जाएगा। सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी कड़ी रखी गई थी, काफ़ी सीक्रेसी बरती गई थी। हम लगातार पिछले 2 दिनों से ट्रैक कर रहे थे इनके कहाँ रखा जाएगा, कब लाया जाएगा, और लगातार हमें यही जवाब दिया जाता है कि मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी खुद सारी चीज़ों की जानकारी ले रहे हैं, और उन्होंने साफ तौर पर मना किया कि इस तरीके की जानकारी लीक ना हो। तो हैदराबाद में भी इनको किसी भी तरीके से सबोटाज का डर था, और इसी वजह से काफी सिक्रेसी मेंटेन की गई है। पूरी सुरक्षा व्यवस्था में ये पूरा एमएलएज का, पूरा विधायकों का काफिला बेगमपेट एयरपोर्ट से रिसोर्ट की तरफ निकल चुका है। झारखंड के 12वें मुख्यमंत्री बने चंपई सोरेन। 5 फरवरी को साबित करना होगा बहुमत चंपई सोरेन के साथ। 2 मंत्रियों ने ली शपथ,
कांग्रेस एमएलए आलमगीर आलम ने शपथ ली। आरजेडी एमएलए सत्यानंद भोक्ता ने भी शपथ ली, वो भी मंत्री बने। सत्यानंद भोक्ता आरजेडी के एमएलए, वो मंत्री बने। आलमगीर आलम, उन्होंने भी शपथ ली, कांग्रेस के हैं। और चंपई सोरेन जो हैं वो मुख्यमंत्री बने। इस बीच एक और बड़ी अपडेट जान लीजिए। झारखंड के सीएम चंपई सोरेन ने कहा कि जल जंगल जमीन की लड़ाई जारी रखेंगे, आदिवासियों के लिए काम करेंगे, दलितों और पिछड़ों के लिए भी हम काम करेंगे। क्या कहा है चंपई सोरेन में, एक बार आपको सुनाते हैं, फिर आऊंगा तो अभिषेक उपाध्याय के पास आपको लिए चलूंगा। सरकार यहाँ की जल जंगल जमीन से लेके यहाँ के आदिवासी, यहाँ के मूलवासी, यहाँ का दलित सबका, जो पिछले सरकार ने अच्छा सुंदर जो योजना लॉन्च किया है हेमंत बाबू के नेतृत्व में, वह कहीं कमी नहीं है। यह ये आज के दिन उसको और गति हम लोग देंगे। तो चंपई सोरेन को आप सुन रहे थे, जल जंगल और जमीन की बात उन्होंने कर दी। अभिषेक उपाध्याय स्क्रीन पर देख रहे हैं। अभिषेक, मुझे एक बात तो ये जरा क्लियर करिए कि ये विधायकों की संख्या कम थी या फिर ये एकजुटता दिखाने की कोशिश है कि कांग्रेस आरजेडी और जेएमएम एक हैं, इसलिए एक मुख्यमंत्री बने, एक जो विधायक थे उनको मंत्री बनाया गया और एक जो आरजेडी के विधायक थे उनको भी मंत्री बनाया गया। विवेक, की एकजुट रखने की कोशिश है, और एकजुट रखने की कोशिश इसलिए है कि कुछ अंतर विरोध है पार्टी के भीतर, जिसकी सबको जानकारी है। देखिए, आज जिस तरह से सुबह से लेकर के और शपथ ग्रहण तक जो गतिविधियां चली हैं वो बहुत कुछ कहती हैं। किस तरह से सीता सोरेन को लास्ट मोमेंट तक मनाने की कोशिश की हुई और बाद में वो राजभवन तक गई, लेकिन उनकी नाराजगी कायम थी। वो ये चाह रही थी कि उनका भी रिप्रेजेंटेशन हो जो मंत्रिमंडल है। बसंत सोरेन को लेकर के भी ये था कि उनको भी शामिल किया जाएगा, लेकिन ऐन मौके पर उनको भी शामिल नहीं किया गया, क्योंकि फिर सीता सोरेन का भी स्टेक सामने आ रहा था। चार ऐसे विधायक हैं जो नहीं भी पहुंचे थे। तो इस तरह की बहुत सारी बातें हैं। कांग्रेस के भी एमएलए हैं, एमएलए टूटने ना पाए, क्योंकि ये जो कॉम्बिनेशन है 43 की जो 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 गिनती करवाई गई थी, 41 चाहिए, 43 की गिनती करवाई गई थी, जो ऑन रिकॉर्ड आया है उसकी हम बात कर रहे हैं, तो संख्या का फेर बहुत ज्यादा नहीं है। इसलिए एकजुट रखना बहुत जरूरी है, एकजुट रखने की कोशिश है, और ये संदेश देने की कोशिश है कि भैया हम साथ साथ हैं, मंत्री बना रहे हैं, साझेदार कर रहे हैं, आप हमारे साथ बने रहिए। झारखंड के नए सीएम पर यह बहुत बड़ी खबर है। जेएमएम सांसद महुआ मांझी का खुलासा है, हेमंत ने बंद लिफाफे में चंपई का नाम छोड़ा था, सभी विधायकों के सामने खोला गया था लिफाफा। महुआ ने एमएलए के तोड़ने का भी खतरा जताया है। ये कहा महुआ मांझी ने कि सभी विधायकों के सामने वो लिफाफा खोला गया था और वो लिफाफा बंद था। हेमंत सोरेन ने बंद लिफाफे में चंपई सोरेन का नाम छोड़ा था, क्या कहा है वो भी सुनाते हैं महुआ मांझी ने। चंपई सोरेन के चुनाव को लेकर के, ये चुनाव कैसे हुआ, इस पे सबकी इसको लेकर के एक रहस्य बना हुआ, ये जरा समझाइएगा। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी की दूरदर्शिता ऐसी है कि सब उनके सामने हम लोग नतमस्तक हैं कि जाने से पहले उनको आशंका थी कि शायद ईडी अरेस्ट करेगी, जैसा सब लोग जान रहे थे कि हर जगह इस तरह का हो रहा था, तो उन्होंने एक बंद लिफाफा छोड़ रखा था कि इनकेस अगर उनकी गिरफ्तारी होती है तो उसे पढ़ा जाए सबके सामने, सभी विधायकों के सामने। और जब उसे बाद में उसे पढ़ा गया तो उसमें उन्होंने खुद ही माननीय चंपई सोरेन जी का नाम प्रस्तावित किया था, उनके अपने सिग्नेचर से वो लेटर लिखा हुआ था। और पढ़ा गया, उस समय वो मौजूद थे, उनकी मौजूदगी में पढ़ा गया। हाँ बिल्कुल। तो और उसमें उन्होंने ये भी कहा कि चार साल तक उन्होंने कोशिश की इस राज्य को बहुत बेहतर ढंग से चलाने की और विपरीत परिस्थितियों में चलाने की, और सचमुच ये सच भी है। और उन्होंने कहा कि अगर किसी कारण से इस तरह की कोई घटना होती है तो उनका नाम उन्होंने प्रस्तावित भी कर दिया, और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि उनकी अनुपस्थिति में उनके बूढ़ी माँ को, उनके पिता को और उनके परिवार को सब लोग देखें। तो महुआ मांझी को आप सुन रहे थे और उनसे बातचीत की थी मेरे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय ने। अभिषेक उपाध्याय हमारे साथ लाइव भी बने हुए हैं, सीधा आपको अभिषेक के पास लिए चलते हैं। अभिषेक, ये कह रही हैं कि बंद लिफाफे में चंपई सोरेन का नाम सामने आया था, इसका मतलब कि पहले से तैयारी की गई थी और अपने पार्टी को फूट के डर से बचाने के लिए, क्योंकि नाम तो आगे चल रहा था कि जो उनकी पत्नी है कल्पना वो मुख्यमंत्री बनेंगी, तो कौन से समीकरण ये बिठाए गए थे कि बंद लिफाफे में उनका नाम लिख के गए थे कि चलो बात ज़्यादा बाहर नहीं आनी चाहिए।
देखिए इससे एक बात एकदम क्लियर होती है कि जो चंपई सोरेन का चुनाव हुआ, ये चुनाव हेमंत सोरेन ने किया है, तो हेमंत सोरेन की ही खड़ाऊ लेकर के वो इस सत्ता पर है, अगर इसको हम थोड़ा साहित्य की भाषा में कहें तो ये उनका ही चुनाव है। ये पहली बात तो ये क्लियर हो जाती है। दूसरी बात ये क्लियर होती है कि हेमंत सोरेन को ये अंदाजा था कि अरेस्ट होने वाले, इसीलिए पूरी तैयारी की गई थी, बंद लिफाफे में नाम था, फिर ये लिफाफा खोला गया है, सभी के सामने इसको पढ़ा गया है, पूरी चिट्ठी थी और भावुक चिट्ठी थी, उसमें लिखा था मेरी बूढ़ी माँ का ध्यान रखिएगा, पिता का ध्यान रखिएगा, तो इस तरह का इमोशनल कार्ड भी इसमें था ताकि लोगों को इमोशनली कन्विंस किया जा सके, कोई इससे अलग ना जाने पाए। तो ये सारी कवायद की गई थी और ये एक रणनीति का हिस्सा थी, सबसे बड़ी बात ये है, और वही रणनीति का जिक्र आज खुलासा किया है महुआ माझी ने। जी जी, ये भी काफी अहम जानकारी आप दे रहे थे अभिषेक और दीपक रावत, आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। अभी दीपक मैं आपके पास भी आऊंगा, अभी मैं दर्शकों को ये बताने जा रहा हूं कि आखिर चंपई सोरेन का नाम ही झारखंड के मुख्यमंत्री के लिए क्यों सामने लेकर आया गया, वो हम जरा बता देते हैं कि जब हेमंत हटे तो चंपई ही क्यों आए, क्या समीकरण बिठाए गए हैं चंपई का नाम लेकर, और क्या कारक थे जिन्होंने चंपई का नाम प्रभावित किया। बीजेपी के लिए ये बड़ी चुनौती है, अर्जुन मुंडा बाबूलाल मरांडी के खिलाफ आदिवासी चेहरा रहे हैं, इसलिए तो ये बड़ी चुनौती यहां से साबित होती है। दूसरा क्या कारण, आदिवासियों का गढ़ है कोल्हान मंडल से अब तक कुल 4 सीएम रहे हैं, सोरेन परिवार का नाता भी रहा है, इसकी वजह से इनका नाम भी आगे आया और वो नाम जो है प्रभावित कर गया और इनका नाम जो है सीएम के रेस में आगे आया और उस पर मुहर भी लग गई। संथाल और कोल्हान प्रमंडल जो है कैसे, तो 13 विधानसभा सीटें इसमें आती हैं, आदिवासी वोट इस पर निर्णायक होते हैं, इसलिए भी इनका नाम सामने आया था। बीजेपी के आरोपों का जवाब भी है, परिवारवाद के आरोप की काट है, क्योंकि वो तो हेमंत सोरेन और जो शिबू सोरेन है उनके वो परिवार से आते नहीं हैं, ये गठबंधन को फायदा होगा इससे, साफ सुथरी छवि के हैं चंपई सोरेन, अभी तक इन पर कोई दाग नहीं लगा है, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारक था जिनकी वजह से चंपई सोरेन का नाम जो है वो हेमंत सोरेन ने आगे कर दिया है। हेमंत ईडी और रिमांड, अगला नंबर केजरीवाल, सबसे बड़ी अपडेट आपको बता दें कि 5 दिन की रिमांड पर झारखंड के पूर्व सीएम है हेमंत सोरेन को 5 दिन की रिमांड पर भेजा गया है। ईडी ने कोर्ट से 10 दिन की रिमांड मांगी थी, पीएमएलए कोर्ट में पेशी के बाद ये फैसला लिया गया है। राजीव रंजन अटॉर्नी जनरल है, क्या कहा इस पर सुनाते हैं आपको। इनका मांगा गया था ईडी ने अपना रिमांड के लिए, तो उनके बात को अस्वीकार करते हुए सिर्फ 5 दिन का रिमांड दिया गया है। सर आपने सुरक्षा की भी बात कही थी कि सुरक्षा के मद्देनजर, सुरक्षा के मद्देनजर ने कहा है कि शाम के समय में सोने के समय उनको जेल में रखा जाए। सर ये रिमांड आज से मानी जाएगी, आज 5 दिन की जो रिमांड है। दीपक रावत ने अटॉर्नी जनरल से बातचीत की थी, सीधा मैं दीपक रावत के पास लिए चलता हूँ। दीपक, 5 दिन की रिमांड मांगी गई है, इसमें इनसे पूछताछ होगी, और क्या बातचीत के दौरान आपको पता चला। जी देखिए, ईडी ने 10 दिन की रिमांड मांगी थी विवेक, कल जब पेश किया गया था पीएमएलए कोर्ट में, तो उस दौरान ये कहा गया कि 10 दिन की रिमांड इसलिए चाहिए क्योंकि अब तक हेमंत सोरेन से जितनी भी बार पूछताछ करने की कोशिश की गई, हालांकि ज़्यादा बार उन्होंने मौका दिया नहीं, 10 बार समन दिया, उसमें से 2 बार ही उनके घर पर उनसे बातचीत हो पाई, एक अरेस्टिंग से पहले 20 जनवरी को और एक जिस दिन अरेस्टिंग हुई है, उन दोनों दौरान जब उन्होंने बातचीत की तो उसमें वो संतुष्ट नजर नहीं आया। ऐसे में उनका ये कहना था कि जब वो ईडी की कस्टडी में रहेंगे, 10 दिन उनके पास रहेंगे, तो उनसे तमाम सवाल जवाब किए जाएंगे, चाहे वो जमीन से जुड़ा घोटाले वाला मामला हो, चाहे कैश बरामदगी वाला मामला हो, इन तमाम मामलों की पूछताछ होगी। लेकिन कोर्ट ने यह कहा कि 10 दिन बहुत ज्यादा है, 5 दिन। दीपक, इस बीच एक बड़ी अपडेट आ रही है, आप अपनी बात पूरी करिएगा, लेकिन यह जानना बहुत जरूरी, सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा, हेमंत सोरेन को एससी ने याचिका सुनने से इनकार कर दिया, हेमंत को हाई कोर्ट जाने का आदेश दिया गया है, यह बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट गए थे, उन्होंने कहा कि भैया आप पहले हाई कोर्ट जाइए। अभिषेक उपाध्याय हमारे साथ जुड़े हैं, अभिषेक, सुप्रीम कोर्ट गए थे, वहां से इनको लग गई फटकार, आप कह रहे हैं कि पहले आप हाई कोर्ट जाके नहीं आए, हाई कोर्ट में कब जाएंगे ये, इसके बारे में क्या जानकारी है, क्योंकि ये भी खबर आई थी कि एक बार हाई कोर्ट जाके और उसके बाद उन्होंने अपनी अर्जी वापस ले ली और फिर सुप्रीम कोर्ट गए। देखिए, ये मैं कह रहा हूँ कि इसके पहले भी ये हो चुका है, लास्ट ईयर भी यही हुआ था, सम्मन्स के खिलाफ सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाई कोर्ट जाइए, और हाई कोर्ट गए और हाई कोर्ट ने उनको राहत नहीं दी, तो अब फिर इस बार यही हुआ है कि कहा गया है हाई कोर्ट जाने के लिए, तो अभी उम्मीद ये है कि जल्दी से जल्दी हाई कोर्ट में हेमंत सोरेन की ओर से याचिका दाखिल की जाएगी। अभी उसका एग्जैक्टली हमको समय नहीं पता चला है, लेकिन अब और कोई विकल्प नहीं है, पर ये ध्यान रखना होगा, इसके पहले भी सेम चीज़ हो चुकी है,
और हाईकोर्ट ने एंटरटेन नहीं किया था, इस बार क्या ग्राउंड रखा जाता है हाईकोर्ट के सामने, ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा। जी, क्या ग्राउंड रखा जाएगा हाईकोर्ट के सामने, ये जो अपडेट होगी हम आपको बताएंगे। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आपको जानना जरूरी, ईडी के समन पर पेश नहीं हुए केजरीवाल। आम आदमी पार्टी ने पांचवें नोटिस को भी गैर कानूनी बताया। आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन में शामिल हुए केजरीवाल, बीजेपी दफ्तर पर आम आदमी पार्टी ने प्रदर्शन किया, चंडीगढ़ मेयर चुनाव में धांधली का आरोप भी लगाया और उसी प्रदर्शन की तस्वीरें। दिल्ली में आज कई जगहों में कई इलाके जाम रहे, सड़कें जाम रही, गाड़ियां सरक सरक कर दिखी, कई जगहों पर प्रदर्शन हुए। बीजेपी ने भी किया, आम आदमी पार्टी ने भी किया, लेकिन अभी हम आपको आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन की तस्वीरें दिखा रहे हैं कि जो पांचवा समन आया उसको बताया है गैर कानूनी। दीपक रावत जुड़े हुए हैं, सीधा उनके पास लिए चलते हैं। दीपक, पांचवा समन भी गैर कानूनी है तो क्या ये समझा जाए कि जो समन लगातार भेजा जा रहा है ईडी के द्वारा, तो उससे क्या ये ध्यान भटकाने की कोशिश हो सकती है? जी देखिए, अरविंद केजरीवाल बार बार यही कह रहे हैं कि जब भी उनका कोई प्रोग्राम शेड्यूल होता है तब भी उनको इस तरह का समन भेजा जाता है, और आज तो सीधे तौर पर उन्होंने कह दिया कि जो भी समन उन्हें भेजा गया है अब तक वो गैर कानूनी है। अगर कानून सम्मत कोई समन उनको भेजा जाता है तो उस पर वो हाजिर होने के लिए तैयार है। यानी कि सीधे तौर पर ईडी को अब तक पाँच बार जब उन्होंने बुलाया गया तो पाँचों बार अरविंद केजरीवाल ने चिट्ठी ईडी को भेजी थी, तो इस बार की चिट्ठी में ये सीधे तौर पर लिखा है कि आप ये बता दीजिए कि कानूनी तौर पर ये समन आप पर अगर ठीक है तो मैं आने को तैयार हूँ। लेकिन अब बात यहीं तक नहीं रुकेगी विवेक, क्योंकि ये भी जानना होगा कि पाँच बार समन दिया जा चुका है। हेमंत सोरेन के मामले में 10 बार समन दिया गया था। ऐसे में ईडी ज्यादा देर यहां पर इंतजार नहीं करने वाली, क्योंकि ईडी को लगता है कि इस पूरे मामले में जल्द से जल्द, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया था, क्योंकि मनीष सिसोदिया जो कि इसमें मेन अक्यूज बनाए गए थे उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने कहा था उनकी बेल एप्लीकेशन पर कि इस मामले में जल्द से जल्द ट्रायल कंप्लीट करना होगा, और ट्रायल तब तक कंप्लीट नहीं होगा जब तक अरविंद केजरीवाल से भी सवाल जवाब न किए जाए, क्योंकि उनका भी नाम इसमें जोड़ा गया था, उनका भी नाम सामने आने की बात कही गई थी। तो यही वजह है कि ईडी ज्यादा इंतजार नहीं करेगी। ईडी अब यह कोशिश कर सकती है कोर्ट जाए और वहां से ऑर्डर निकाले कि अरविंद केजरीवाल से पूछताछ कैसे हो, क्योंकि वो खुद तो आ नहीं रहे हैं। ऐसे में अरविंद केजरीवाल भी ईडी के खिलाफ कोर्ट जा सकते हैं, तो आने वाले दिनों में लड़ाई बढ़ सकती है और अब ज्यादा समन आएंगे ऐसा लगता नहीं ईडी की तरफ।